चीन के हांगझोउ शहर में चल रहे एशियन गेम्स में भारत की महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल का टिकट अपने नाम कर लिया है। स्मृति मंधाना की कप्तानी में खेल रही टीम ने बांग्लादेश को 8 विकेट से रौंदा। भारतीय महिला टीम ने इवेंट के पहले ही दिन शानदार शुरुआत करते हुए 3 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। मैं सिद्धिका मनोहर सोनी आपके साथ। एशियन गेम्स 2023 का आयोजन चीन के हांगझोउ शहर में किया जा रहा है, जहां भारत कई बड़े खेलों में हिस्सा ले रहा है। इस साल 100 मेडल पार के नारे के साथ चीन गई भारतीय टीम ने एशियन गेम्स के पहले दिन मेडल जीतना शुरू कर दिया। पहले दिन की सुबह शूटिंग और रोइंग में सिल्वर मेडल के साथ भारत ने शानदार शुरुआत की। इसके अलावा अब क्रिकेट में भी टीम इंडिया की महिला टीम ने अपने सिल्वर मेडल को पक्का कर लिया। भारत और बांग्लादेश महिला टीम के बीच सेमीफाइनल मैच खेला गया, जिसमें टीम इंडिया ने बांग्लादेश को हरा दिया। भारत और बांग्लादेश के बीच खेले गए मुकाबले के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की कप्तान ने इस मैच में टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया था। पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की महिला टीम 17.5 ओवर में 51 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी। टीम इंडिया के सामने उन्होंने 20 ओवर में सिर्फ 52 रनों का लक्ष्य रखा। टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने इस मैच में शानदार खेल दिखाया और 8 विकेट से इस मैच को जीत लिया। भारतीय टीम इसी जीत के साथ फाइनल में पहुंच गई है, जहां उनके पास गोल्ड मेडल भी जीतने का मौका है। भारत की जीत का हीरो तेज गेंदबाज पूजा वस्त्रकर रही, जिन्होंने 4 ओवर में 17 रन खर्च कर 4 विकेट हासिल किए। बता दें कि भारतीय महिला टीम ने 19वें एशियन गेम्स के वुमेन्स क्रिकेट के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। गोल्ड मेडल मैच भारतीय टीम का मुकाबला कल सोमवार को दूसरे सेमीफाइनल की विजेता से होगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।